ਵੀ ਫਰਾਨੇ ਫਰਾਨੇ ਫਰਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਦੇਗੇ 80 ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਫਰਾਨ ਉਨਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਆਪਕਾ ਹਮ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਫਰਾਨ ਕੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਗੁਲੋਂ ਕੇ ਲਬ ਪਰ ਤਬਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲੋਂ ਕੇ ਲਬ ਪਰ ਤਬਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਵਿਸ਼ ਰਵਿਸ਼ ਪਰ ਤਰੰਨੁਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਖ ਵਖਤਰ ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਜਬ ਤੱਕ ਫਰਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਹਾਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾ ਫੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਆ ਪਕੜੋ ਜਰਾ ਕਿਆ ਲਿਆ ਪਕੜੋ ये शेर मैं आपके लिए पेश करता हूँ देखिए उसने तो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है उसने शादी ये गलती मत कर सलमान के लिए शेर के सलमान जीने के लिए तेरा ही करमान ही काफ़ी है जीने के लिए तेरा ही करमान ही काफ़ी है दिल के कलम से लिखे ये दास्तान ही काफ़ी है और तीरों तलवार की तुम्हें क्या जरूरत है सलमान अरे कत्ल करने के लिए तेरी मुस्कान ही काफ़ी है सलमान के बिल्कुल बराबर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब ओराम बैठे हैं जैकब ओराम के लिए अब वैसे आपका नाम क्या है आजकल अयाज अयाज एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अयाज ना रहा बंदा ना रहा बंदा सा तो अयाज ये शेर में आपकी नज़र करता हूँ कि कोई कातिल कोई घायल और कोई बेहतर बन जाए अयाज आपकी जो तस्वीर देखे वो खुद एक तस्वीर बन जाए और मेरा असली नाम मोहम्मद है अब मैं समझ गया था मेरी जान तभी मैंने वहाँ से शुरू कर दिया अच्छा मैं तुम्हारे सामने सुनता अच्छा तो ये शेर हम भाई के लिए पेश करते हैं माशाल्लाह चार आदमियों का खाना अकेले खाते हैं और ये इसका कहना ये डाइट पर है खुद अंदाज़ा लगा लीजिए लेकिन मेरे मोबाइल में भी पूरा नहीं आ रहा है तुम्हारे दीद के मारो को तुम्हारी दीद हो जाए ज़रा हमारी भी एक उम्मीद हो जाए और फलक के चांद का क्या है दिखा दिखा ना दिखा शहजादे अगर तुम्हें सामने आ जाओ तो हम सब की ईद हो जाए और इनकी तारीफ तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके फरहान आपके लिए कहते हैं तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके दिल के भाई अभी मुझे मारेंगे तेरा कुछ नहीं जाएगा तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके और मुंतजर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके।